रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। प्रिय साथियों, अभी कुछ ही देर पहले मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ खंडवा मीडिया के माध्यम से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मेरे एक मित्र ये बताते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस की नारी सम्मान योजना जो कमलनाथ जी की फर्जी है। मैं पूछना चाहता हूँ इस वाइट के माध्यम से, आखिर आप होते कौन है ये सिद्ध करने वाले कि ये फर्जी योजना है? क्योंकि आप जिस चाट ठेले की दुकान पर खड़े होकर के उस योजना के फॉर्म को बता रहे हैं आलू समोसा वड़ा पाव खाते हुए, कि ये किस तरह का सम्मान नारियों के साथ है जो कि ठेलों पर चाट और चौपाटियों पर ये फॉर्म के ऊपर रख करके नाश्ता दिया जा रहा है। मुझे शर्म आती है ऐसे ऐसे ही सोच पर और ऐसी दकियानुसी चीज़ों पर। आखिर कब तक आप जनता को इस तरह से बरगलाते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे? कितना कितना छोटापन सा झलकता है जब आप कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की बौखलाहट आपके चेहरे पे दिखती है, जब आप उस फॉर्म को डुप्लीकेट फॉर्म बना करके छपवा करके और सुनियोजित ढंग से किसी चौपाटी पे, किसी चाट वाले की दुकान पे, समोसे वाले की दुकान पर उसको रखते हैं और उसके माध्यम से वह डिस्ट्रीब्यूट कराते हुए वीडियो लेते हैं और लोगों से बात करते हुए हमको बताते हैं। बड़ा ही दुख होता है कि आज खंडवा किस स्थिति में है, किस मनोदृश्य में आप जैसे नेता इस खंडवा को लेकर के जा रहे हैं। और मैं इस बाइट के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप ये सिद्ध कर दें कि कांग्रेस की नारी सम्मान योजना फर्जी है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरा निवेदन है साथियों, ये मध्य प्रदेश में और खंडवा में मुख्य तौर पर जो ऐसे लोग इस सम्मान को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज संपूर्ण खंडवा में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नारी सम्मान योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं, जिस तरह से लोग परेशान है भारत अपने बीजेपी की गवर्नमेंट से और शिवराज सिंह चौहान जी से, आज उनकी ये मनोस्थिति सामने दिखती है। और मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि इस तरीके से जो बौखलाहट है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने आकर के दिख रही है, जो कि नारी सम्मान योजना को फर्जी बता रहे हैं, जो कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाह रहे हैं और जो कि कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं कि आने वाले 4-5 महीने बाद जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो ना जाने इन जैसे तमाम नेताओं का क्या हश होगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है, नारी सम्मान योजना बहुत ही सुदृढ़ योजना है, इसके फॉर्म भरें। सभी पात्र लोगों को इसके फॉर्म भरना चाहिए। प्रत्येक गरीब महिला के खाते में, प्रत्येक महिला के खाते में 1500 रुपये का लाभ सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी देने वाले हैं। तो आप और हम आइए मध्य प्रदेश को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाते हैं, खंडवा के विकास में एक नई भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।